I am going to teach you about the covalent bond. In the previous classes, we have read about the characteristics of ionic bonds. सबसे पहले हम लोग देखें कि covalent bond होता क्या है. तो अगर दो आइटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर एक आइटम से दूसरे आइटम में नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और उसी को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. तो कोवैलेंट बॉन्ड का अगर हम लोग डिफिनीशन देना चाहें तो दे सकते हैं कि दिस इज ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स. डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू आइटम्स. इसी को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. अब हमारा एक टर्म आएगा कोवैलेंट कंपाउंड्स या कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं. जिस कंपाउंड में या जिस मॉलिक्यूल में एक आइटम दूसरे आइटम से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हों तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स या कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स. तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं, द मॉलिक्यूल्स हैविंग कोवैलेंट बॉन्डेड आइटम्स आर कॉल्ड कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स. अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स. और कोवैलेंट मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जो एटम होता है एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है. अब हम लोग एक चीज और देखें कि अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स टेक्स प्लेस बाय द ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन के द्वारा दर्शाते हैं. जैसे हम लोग देख लें क्लोरीन, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है. ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा. इसी को हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन के द्वारा दो एटम को जोड़कर दर्शाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. एक चीज और हम लोग समझ लें कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लोन पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। किसको कहते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द आइटम इन द वायलेंस सेल, वायलेंस सेल व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन कोवायलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम पूछें कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो हर क्लोरीन पर 1, 2, 3, इसमें 3 लोन पेयर, और इस इलेक्ट्रॉन पर भी, सॉरी, इस क्लोरीन एटम पर भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1, 2, 3 पेयर, 1, 2, 3 पेयर। बॉन्ड पेयर किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है उसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिए हुए है, इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग ये देख ले इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी संख्या कितना है? 1 पेयर है, मतलब 2 है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वैसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच टेक पार्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर Cl2 के फॉर्मेशन हम लोग क्या देखें कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन भाग लिया, 1 है, 1 पेयर है, इसमें लोन पेयर है 3 इस क्लोरीन आइटम पर और 3 इस क्लोरीन आइटम पर। अब हम लोग आगे बढ़े, ऑक्सीजन है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6। अब यह अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसका भी क्या हो गया 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, मतलब 2 हो गया। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देख लीजिए इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई? 2। ईच ऑक्सीजन एटम कंटेन्स 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड पेयर कितना है? 2 पेयर है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर 2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्मेशन में ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, डबल
बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? बाय द शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। अब हम लोग देख लें ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, ये शेयरिंग हो गया, ये हम लोग क्या देखें बॉन्डेड पेयर कितना हो गया, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्री हो गया, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच एन एटम बराबर कितना, एक। इस तरह से हम लोग देखें कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। द ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स बाय द थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। एक चीज और हम लोग देख लें कि कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी। तो हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक नंबर में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और सेकेंड में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ आइटम्स, सेम टाइप ऑफ आइटम्स। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें सेम है, दोनों भी हाइड्रोजन ही है। तो हम लोग एक टर्म पढ़े थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो दोनों का चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर है इसलिए बॉन्डेड पेयर किसी भी एटम की तरह शिफ्ट नहीं करेगा। नतीजा होगा कि ये जो मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर होगा। क्या होगा? नॉन पोलर। इसी तरह से ऑक्सीजन में भी हम लोग देख लेते हैं नॉन पोलर, O2 में। अब हम लोग देख लें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह के बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। टू डिफरेंट एटम्स मतलब दोनों के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर होगा
जिसके कारण जिस जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण उस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, पोलर। जैसे HCl, HCl में हम लोग क्या देखते हैं कि क्लोरीन हाइड्रोजन के सापेक्ष ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए बाउंडेड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से HF का भी हम लोग देखते हैं, फ्लोरीन में भी, फ्लोरीन जो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो बाउंडेड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब वैसे दो आइटम के बीच शेयर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो जो कि डिफरेंट टाइप का हो, मतलब दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कुछ ना कुछ हो। ये भी है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम लोग एक चीज और पढ़ लें, कोवैलेंसी क्या कहलाता है। कोवैलेंसी हम लोग ये देखते हैं कि एक आइटम दूसरे आइटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके कितने कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वही उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, ये हाइड्रोजन के साथ अलग अलग चार बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि कोवैलेंसी ऑफ कार्बन ये कितना होगा, 4 होगा। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज कितना हो जाएगा, 1। तो एक आइटम दूसरे आइटम के साथ मिलकर कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वही उस आइटम की कोवैलेंसी कहलाती है। अब लोग समझ गए। अब देख लीजिए, कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि आइटम क्या होता है, अपने कोवैलेंसी में वेरिएशन दिखलाते हैं, कभी हम देखेंगे कि 3 दिखलाता है, कभी 4 दिखलाता है। तो वो कंडीशन तब आता है जब उस आइटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो। देख ले एक एग्जांपल में, नाइट्रोजन 7 होता है, 1s2, 2s2, 2p3 है, इसमें डी ऑर्बिटल तो होता ही नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि n बराबर 2, l बराबर 0 एंड 1 वही संभव है। अब हम लोग देख लें, अगर हम लोग 2p3 करते हैं, 2s2, 2p3, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि 3 अनपेयर्ड है दूसरे के साथ मिलकर, 3 अलग अलग इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर पेयर का फॉर्म बनाएगा, तो इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, कोवैलेंसी हमेशा कितनी होगी, 3 होगी। वही फास्फोरस का हम लोग देखते हैं, 15 जो होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, हम लोग देख लें 3s2, 3p3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, इसमें डी ऑर्बिटल भी होता है, n बराबर, चूंकि हम लोग जानते हैं कि n बराबर अगर 3 हो तो l बराबर 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा, 3d खाली है, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस कंडीशन में इसकी जो कोवैलेंसी होगी कितनी होगी, 3 होगी। लेकिन वही जब एक्साइटेड स्टेट में ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में 3p3, 3s2, 3d, इस कंडीशन में अगर एक ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है d ऑर्बिटल में,
कहाँ इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, यहाँ क्या हो जाएगा 3s 3p, तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉन, इसमें एक और इसमें ही, कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, कोवैलेंसी बराबर 5। तो हम लोग क्या देखें कि फास्फोरस का कोवैलेंसी 3 और 5 दोनों होता है। कारण क्या है कि इसके पास वैकेंडी ऑर्बिटल होता है, एक्साइटेड स्टेट में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करता है और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 और 5 दोनों होती है। लेकिन चूंकि नाइट्रोजन के पास कोई डी ऑर्बिटल खाली नहीं होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन एक्साइटेड स्टेट में संभव नहीं होता है, इसलिए हमेशा ये पेयर्ड में ही रहता है और जिसके कारण इसकी कोवैलेंसी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब होता है कि नाइट्रोजन NF3 का ही फॉर्मेशन करेगा, लेकिन वही फास्फोरस PCl3 का भी फॉर्मेशन करेगा एंड PCl5 का भी फॉर्मेशन करेगा। ये NF3 का ही फॉर्मेशन करता है, NF5 का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एटम क्या होता है, वेरिएबल कोवैलेंसी को शो करता है। आज हम लोग इतना ही पढ़कर समाप्त करें। नेक्स्ट डे हम लोग किस तरह से कोवैलेंट कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट होता है, या किस तरह से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में अंतर आता है, आयनिक कंपाउंड के सापेक्ष इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरा होता है, और उसी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक्स।